नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा। आज आपको एक मोटिवेशन वीडियो देने आया हूँ, क्योंकि मेरे बहुत से सब्सक्राइबर्स, यूजर्स, फॉलोअर्स ने एक चीज पूछी है कि भाई पैसा कैसे कमाएं। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा है यंग डॉक्टर इतना पैसा नहीं कमा सकते, जब वो मेरा लग्जरी लाइफ स्टाइल देखते हैं, जैसे मेरे लाइफ स्टाइल की वीडियो। तो कोई क्वेश्चन है होंगे, कुछ पूछना चाहते हो? यस सर, बताओ पैसा कैसे कमाया जा सकता है। देखो, ये बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है और मेरे सभी फॉलोवर्स को मैं एक आंसर देना चाहता हूँ कि भाई देखो, पैसा कैसे कमाया जाए। पैसा कोई भी कमा सकता है, कोई भी कमा सकता है। पहली चीज, पैसे को भगवान मत समझो, पैसा आदमी ही कमाता है। अब वो कैसे कमाता है, आप सोचेंगे भाई डॉक्टर कमाता है, इंजीनियर कमाता है, IAS कमाएगा, करप्ट नेता बन के फिर हम घोटाला करेंगे और दो नंबर से ही पैसा कमाया जाए चोरी चकारी करके, तो पहली चीज ये गलत है। ये कॉन्सेप्ट हम सबके दिमाग में गलत बैठा हुआ है। पैसा एक जवान डॉक्टर है तो वो भी कमा सकता है और खूब कमा सकता है। और एक चीज और बताना चाहूंगा, कहाँ लिखा है कि बुढ़ा होना पड़ेगा, कहाँ लिखा है बुढ़ा होना पड़ेगा पैसा कमाने के लिए? अरे यंग एज में कमाएंगे तभी तो हम उसका इस्तेमाल करेंगे। तो पैसा कोई भी कमा सकता है, कहने का मतलब ये है। अब वो कैसे कमाना है, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ जो शायद आपको कोई नहीं बता पाएगा। पहली चीज, जो भी व्यक्ति कामयाब होता है, सक्सेस होता है, आप उसको एक बार चाय के लिए बुलाओ, उसके साथ बैठो, उसको दो कप चाय पिलाओ अपने पैसों से, उसके पैसों से नहीं, वहां पे भी लालच मत कर जाना, या खाना खिला सकते हो, और उससे पूछो कि भाई तू कैसे बड़ा आदमी बना, तेरे पास इतना पैसा कैसे आया। उससे जलो मत, उसकी बुराई मत करो, ठीक है? अगर आपको कामयाब होना है तो उसकी बुराई मत करो। अगर कामयाब इंसान की बुराई करोगे आप, तो ये समझ लो कामयाबी रूठ जाएगी आपसे, वो कभी आपके पीछे नहीं आएगी, बोलेगी इसके पास तो मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि ये मेरी बुराई करता है। दूसरी चीज, आपको एक कॉन्सेप्ट और बताता हूँ। अगर आप अपने दिमाग से पूछो मुझे 10,000 रुपए महीना कमाना है, तो आपका दिमाग 20 तरीके बताएगा, वो कॉपी में लिख लेना कि इस रास्ते से तुम 10,000 रुपए महीना कमा सकते हो। अगर आप अपने दिमाग को ऑर्डर देते हो मुझे तो 1,00,000 रुपए महीना कमाना है, तो 20 आइडिया आपका दिमाग दे देगा, वो कॉपी में लिख लेना 20 तरीके अच्छे आइडिया दे देगा, तो उसमें बताएगा 1 महीने में हम 1,00,000 कैसे कमा सकते हैं। अगर आपको 10 लाख कमाने हैं तो भी आपका दिमाग 20 आइडिया देगा, वो कॉपी में लिख लो और उसको इम्प्लीमेंट करो। देखो, तुरंत नहीं कमा सकते, पर 6 महीने के अंदर अंदर आप कमाने लग जाओगे, या साल भर में अगर आप इम्प्लीमेंट करते हो तो। और देखो, ऐसा नहीं होता, पैसा कमाने का एक तरीका और होता है पैसे वाला बनने का, जो मैं बताता हूँ। या तो किसी अमीर बाप के घर में पैदा हुए हो तो वैसे ही पैदा हो, मतलब अमीर हो गए, अंबानी बन गए, है ना, या फिर किसी अमीर लड़की से शादी कर ली तो पैसे वाले बन गए। अब शादी भी कर ली आपकी, गरीब घर में भी पैदा हो गए, अब कैसे पैसे वाला बने? तो पैसे वाला बनोगे कैसे, भूखे पढ़ के, वो रास्ता गुजरेगा किताबों से पढ़ के। और दूसरी चीज मैं बताता हूँ, कोई कहता है कि मेहनत करो पैसा खूब आएगा, तो भाई मेहनत तुमसे ज्यादा तो मजदूर करता है, मैं तो ये बताता हूँ, उसके पास तो पैसा नहीं आता। और आप ये मत बोलो जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हो ये तो ऑर्गेनाइजेशन बेकार है, मुझे 10,000 रुपए दे रही है। अरे ये मत सोचो भाई, वो तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है किसी व्यक्ति को 5 मिनट के 10,000 दे रही हो। तो अपने ऊपर काम करो, अपनी वैल्यू बढ़ाओ। अपनी वैल्यू कैसे बढ़ेगी, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि अगर आप MBBS डॉक्टर हैं तो MD बनो, MD के बाद DM बनो, तो सैलरी बढ़ती जाएगी। अब आप सोचोगे कि सैलरी कितनी बढ़ेगी, सैलरी से कितना कमा लोगे, 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000, ज्यादा थोड़ी कमा सकते हो। नहीं, ज्यादा कमाने के लिए ये चाहिए दिमाग, इससे पूछो कि मैं ज्यादा कैसे कमाऊं। सोशल मीडिया पे आओ, बिजनेस रन करो, लोगों की मदद करो, अपना काम ज्यादा करो। अगर एक डॉक्टर MBBS 1,00,000 रुपए महीने कमा रहा है तो आप एक ड्यूटी में कमा रहे हैं, 3 ड्यूटी करो 3,00,000 रुपए हो गए। तो मैं बताता हूँ इंजीनियर हो तो कैसे पैसा कमाया, अपने दिमाग से पूछो भाई, आपका दिमाग सब कुछ आंसर देगा। आप एक गाड़ी नहीं 1,000 गाड़ी खरीद सकते हो। और अब आप सोचोगे कि मैं कौन हूं, मैं इतना क्यों लेक्चर दे रहा हूं, तो भाई मेरा चैनल पे आप देख सकते हो मेरा लाइफ स्टाइल सब कुछ, तो वो सब मैंने अपनी मेहनत से, अपने दिमाग से पूछ के अर्न किया है, और आगे भी बहुत कुछ करूंगा। तो वही चीज मैं बता रहा हूँ, जो चीज मैंने अपने ऊपर अप्लाई की है वो चीज मैं आपको भी बता रहा हूँ। मैं भी जमीन से उठा हूँ, धीरे धीरे राइज किया हूँ, तो मैं चाहता हूँ आप लोग भी राइज करें, मोटिवेटेड रहें, बुराई मत ढूंढो। जो बंदा बुराई करता है वो समझ लो खत्म है, वो कभी कुछ नहीं हो सकता। और इस कॉन्सेप्ट को याद मत रखना कि भाई जिसके पास पैसा है वो काला धन है, काला धन नहीं है भाई, वाइट मनी होता है, टैक्स पे करते हैं, मेहनत करते हैं। तो अपनी एफिकेसी बढ़ाओ, अपने ऊपर काम करो, और जो सक्सेस है उनके बारे में पढ़ो, उनको सुनो, उनको समझो, और उनसे पूछो कि भाई तुम कामयाब कैसे हुए। अगर आपका जैसे आप एग्जाम देते हैं आपका सिलेक्शन नहीं हुआ NEET PG में, तो अपने दोस्त से पूछो भाई तू कैसे पास हुआ, तूने क्या फॉलो किया, तो उसके फंडे पूछो, उससे सीख लो, साल भर में आप भी पास हो जाओगे, नहीं क्या?
तो जो कामयाब व्यक्ति है उससे पूछो, उसके बारे में पढ़ो, जैसे रतन टाटा के बारे में पढ़ो, बिल गेट्स के बारे में पढ़ो, माइकल जैक्सन के बारे में पढ़ो, महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ो, अकबर के बारे में पढ़ो कि उसकी क्या स्ट्रेटेजी थी। कहते हैं उनकी रफ्तार ही उनकी लाइफ थी। कहते हैं कि कोई आदमी जो काम 10 दिन में करेगा वो 1 दिन में कर लेते थे। तो उनके बारे में पढ़ो, कैसे बड़ा बनना है। थॉमस एडिसन के बारे में पढ़ो, जो ये कहता है कि मैं कभी फेल ही नहीं हुआ, हर बार पास ही हुआ हूँ, और या मैंने कुछ सीखा है। तो फेलियर्स उसकी लाइफ में बहुत थे, वो हमें लगता है, पर वो कहता था मैं हर फेलियर से सीखता हूँ। तो जब आप एग्जाम में फेल होते हो तो सीखने का सोचो, ऐसा क्यों सोचते हो फेल हो गए। और फेल होने से डरो मत, और पास होने की खुशी में बहुत पागल मत हो। मेरा एग्जाम्पल मैं देता हूँ आपको, जब मैं अपनी कार क्रेटा में बैठता हूँ, तो जिस दिन मैंने शोरूम से निकाली उसी दिन मैंने बीएम देखी कि मुझे बीएम चाहिए। फिर बीएम में जब बैठे तो हमें लैंड रोवर दिखी, तो उसी दिन दिल किया कि अब हमें रोल्स रॉयस चाहिए। तो उस तक भी पहुंचेंगे, पर उसके लिए ड्रीम बड़े होने चाहिए। आप सेफ जोन में मत बैठो, रिस्क लो, आगे बढ़ो, मेहनत करो, और अच्छे मोटिवेटर्स को पढ़ो, उनको समझो, उनको सुनो, उनकी किताबें खरीदो और पढ़ो, और अपने सब्जेक्ट पे कमांड बनाओ। तो मैं लास्ट में यही कहना चाहता हूँ, अपने ऊपर काम करो भाई। अगर आप खुद के ऊपर काम करते हो तो पैसा आपके पीछे आएगा। जैसे एक कुत्ता होता है ना पालतू, बहुत प्यारा होता है, वैसे ही मनी इज लाइक अ डॉग। अगर आप उसको सहलाओगे तो आपके पीछे पीछे आएगा। लास्ट में एक बात बोलता हूँ, अगर कोई लोग आपकी बुराई करते हैं तो ये समझ लीजिए आप राइट ट्रैक पे चल रहे हैं। और अगर कोई कहता है कि आप पे शक है, या आपके क्वालिफिकेशन पे, या आपके ट्रीटमेंट पे उसे डाउट है, तो इतना मान के चलो कोयले की कालिख पे कोई शक नहीं करता, सोने की शुद्धता पे ही शक किया जाता है, और कांच के पड़े हुए टुकड़े पे कोई शक नहीं करता कि असली है नकली है, हीरे पे शक किया जाता है कि असली है नकली है। तो समझ लो कोई आप पे शक कर रहा है तो आप असली हो, ठीक है ना। तो आपने दम होना चाहिए। लास्ट में मैं एक चीज कहना चाहूंगा, सक्सेस 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 के पीछे मत भागो, सक्सेस आपके पीछे झक मरा के आएगी, क्योंकि अगर आप में दम होगा तो कामयाबी आपके पीछे दौड़ती हुई आएगी। अपने कदम आगे बढ़ते चलो, उसको पीछे मुड़ मुड़ के मत देखो आ रही है नहीं आ रही है। और दूसरी चीज, आप ये बोलते हो पैसा 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 पैसा, अरे पैसा कुछ नहीं भाई, इतना अपनी वैल्यू बढ़ा लो कि पैसा बरसे और आप बोलो बस आज इतना ही। लास्ट में थैंक यू, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।